हेलो एवरीवन वेलकम टू बी आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास एट्थ हिंदी का चैप्टर फोर्टीन अकबरी लोटा इसकी पूरी जो स्टोरी है हम लोग बिल्कुल अच्छे से समझेंगे तो देखिए क्या होता है इसमें लाला झाऊ लाल को खाने पीने की कमी नहीं थी काशी के ठठेरी बाज़ार में मकान था नीचे की दुकानों से एक सौ रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था अच्छा खाते थे अच्छा पहनते थे पर ढाई सौ रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी ना मिलते थे इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक ढाई एक सौ रुपये की मांग पेश की तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा डरिए मत आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। तो आ, ये लाला झाऊलाल जो थे उनको खाने पीने की कोई कमी नहीं थी अच्छा खासा मतलब उनका घर था काशी के ठटेरी बाज़ार में उनका मकान था और मकान के नीचे दुकानें थी जिसमें से महीना सौ रुपये मासिक किराया आ जाता था मगर अच्छा खाते थे अच्छा पहनते थे सब बढ़िया था मगर ढाई सौ तो उन्होंने कभी एक साथ नहीं देखे थे मगर एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे ढाई सौ रुपए मांग लिए तो वो एकदम से थरथरा गए कि भाई ये कैसे हो पाएगा ये कैसे मैं दे पाऊंगा तो फिर उन्होंने पत्नी ने कहा कि भाई अगर नहीं आप दे पा रहे हो तो डरो मत मैं अपने भाई से मांग लूंगी फिर लाला झाउलाल तिल मिला उठे उन्होंने रॉप के साथ कहा अजी हटो ढाई सौ रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी मुझसे ले लेना फिर जैसे ही उनकी वाइफ ने कहा कि भाई मैं अपने भाई से ले लूंगी ढाई सौ रुपये तो लाला झाउलाल ने कहा कि नहीं नहीं ढाई सौ रुपये अपने भाई से क्यों लोगी मैं दूंगा ठीक है लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए अजी इसी सप्ताह में ले लेना तो पत्नी कहती है कि भाई ढाई सौ रुपये इसी जिंदगी में चाहिए अगली में नहीं तो झाऊलाल कहते हैं कि भाई इस हफ्ते में ही ले लेना इस वीक में ले लेना सप्ताह से आपका तात्पर्य सात दिन से है या सात वर्ष से फिर वो कहती है कि सप्ताह का मतलब आप सात दिन कह रहे हो या कि सात साल लाला झाऊलाल ने रोप के साथ खड़े होते हुए कहा आज से सातवें दिन मुझसे ढाई सौ रुपये ले लेना तो फिर लाला झाऊलाल ने कहा कि आज से आज जो भी तारीख है ऐसे सातवा दिन जब आएगा तो ले लेना मेरे से ढाई सौ रुपये होते हैं टू ठीक है फिर लेकिन जब चार दिन ज्यो त्यो में यू ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका तब उन्हें चिंता होने लगी प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था अपने ही घर में अपनी साख का था देने का पक्का वादा करके अगर अब दे ना सके तो अपने मन में क्या सोचेगी उनकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे हैं यह पहली बार उनसे मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था इस समय अगर तुम दबाकर निकल भागते हैं तो उसे क्या मुंह दिखाओगे तो मतलब वो मन ही मन सोच रहा होता है कि मेरी वाइफ ने पहली बार मेरे से ऐसे पैसे मांगे हैं मैं तो इतना रौप छाड़ता हूँ मगर मैं ये पैसे मेरे से अभी इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है तो ये कैसे भाई काम होगा कैसे काम चलेगा कैसे इंतज़ाम होगा ये सारी की सारी बातें झाऊलाल अपने मन में सोच रहे होते हैं खैर एक दिन और बीत गया पाँचवें दिन घबरा उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई सहयोग कुछ ऐसा बिगड़ा कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल थे। उन्होंने कहा मेरे पास है तो नहीं पर मैं कहीं से मांग कर लाने की कोशिश करूंगा और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा वही शाम आज थी हफ्ते का अंतिम दिन कल ढाई सौ रुपये या तो गिन दे, देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है यह सच है कि कल रुपया ना आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी ना कर देगी केवल जरा सा हंस देगी पर वह कैसी हंसी होगी कल्पना माँ से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी तो मतलब वो अपने दोस्त के पास गए दोस्त का नाम था पंडित बिलवासी मिश्र पंडित बिलवासी मिश्र के पास गए कि भाई कुछ पैसे हो तो दे दो ऐसी ऐसी बात है ढाई सौ रुपये दे रहे हैं पत्नी को मगर उस समय पंडित बिलवासी मिश्र जो थे उनके पास भी पैसे नहीं थे तो वो कह रहे थे कि चलो कहीं से जुगाड़ करके आपको कल तक पैसे दे देंगे अब वो कल जो था वो सातवा दिन ही था अब पंडित सॉरी झाऊलाल जो हैं ये सोच रहे थे कि भाई अगर पत्नी को पैसे नहीं दूंगा तो कैसे मुझ पे हंसेगी क्या सोचेगी ये सब सोच सोच करके उनको बड़ा ही मतलब दुखी वो हो रहे थे अब आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था ठीक है तो वो सातवां दिन और शाम को पंडित बिलवासी था यदि ना आए तो या कहीं से प्रबंध वे ना कर सके तो तो ये सोच रहे थे कि ना आए प्रबंध ना हो सका पैसों का तो क्या होगा इसी उधेड़बुन में पड़े लाला झाउलाल छत पर टहल रहे थे कुछ प्यास मालूम हुई उन्होंने नौकर को आवाज दी नौकर नहीं था खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई वह पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई थी केवल लोटे में पानी लिए हुए वह प्रकट हुई फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था या तो नया साल दो साल का ही बना पर कुछ ऐसी ढलन उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही हो तो मतलब ये है इसमें कि मतलब जो झाऊलाल थे वो अपने छत पे टहल रहे थे इस उसमें कि भाई पैसों का इंतजाम कैसे हो उनको प्यास लगाई तो उन्होंने पानी के लिए कहा तो उनकी वाइफ जो है पानी लेकर के आई मगर पानी ले करके आई तो मगर गिलास लाना भूल गई वो एक लोटे में पानी ले आई और वो लोटा मतलब ऐसा था कि मतलब टेढ़ा मेढ़ा सा था मतलब बेसूरत सा बेढंगा सा वो लोटा था और लाला झाऊलाल को वो लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था तो लाला ने लोटा ले लिया बोले कुछ नहीं अपनी पत्नी का अदब मानते थे मानना ही चाहिए इसी को सभ्यता कहते हैं जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है अभी अगर चू कर देता तो बाल्टी में भोजन मिलेगा <laughs> तब क्या करना बाकी रह जाएगा तो फिर वो सोचने लगे कि भाई कोई बात नहीं कम से कम लोटे में ला करके के दिया, दिया तो फिर पत्नी का अदब मानना चाहिए मतलब पत्नी की इज़्ज़त करनी चाहिए पत्नी ने पानी ला के दिया ये बहुत अच्छी बात है तो फिर वो हैं अगर मैं बोल दूँ कि लोटे में क्यों ला के दिया तो कभी पता लगा कि बाल्टी में खाना मिल जाए तो वो ये सब सोच रहे थे और चुप थे पानी पीने की कोशिश वो कर रहे थे लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे तभी बुज़ुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो सोते समय पानी ना पियो दौड़ने के बाद पानी ना पियो उन्हें उन्होंने पता नहीं कब यह भी नियम बनाया कि या सॉरी उन्होंने क्या कभी यह भी नियम बनाया कि छत की मुड़ेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है फिर वो पानी होके सोचने लगे कि भाई खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए बुजुर्ग कहते हैं भागने के तुरंत बाद ना पानी पीना चाहिए सोने से पहले पानी नहीं पीना चाहिए है ना तो वो छत की मुंडेर पर खड़े थे मतलब छत के किनारे पर खड़े थे तो वो सोचने लगे क्या उन्होंने क्या पूर्वजों ने ऐसा भी कुछ बनाया होगा कि छत की मुंडेर पर खड़े होकर पानी ना पियो फिर वो सोच रहे थे ये सारे सारी बातें बेचारे तो लाला झाऊलाल मुश्किल से दो एक घूट पी पाए होंगे कि ना जाने कैसे उनका हाथ लोटा और लोटा छूट गया तो एक दो घूट पानी पिया मगर एकदम से उनका हाथ हिल गया और लोटा उनके हाथ से छूट गया लोटे ने दाएं देखा ना बाएं वह नीचे गली की ओर चल पड़ा अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षक शक्ति का नाम कि एक चीज इजाद की थी कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी तो फिर वही है कि वो अपने पानी पी रहे थे और उनके हाथ से लोटा फिसल गया और लोटा जमीन पर जाकर के गिर गया लाला को काटो तो बदन में खून नहीं ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजली से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं यह लोटा ना जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा मतलब यही है कि इतना चलने वाली वो सड़क थी और इतनी ऊंचाई से लोटा अगर गिरेगा तो हो सकता है किसी को नुकसान पहुंच जाए किसी की मौत हो जाए तो तिमजले से लोटा गिरा पानी भरा लोटा भारी है किसी के सर पे फूट गया जाकर के तो किसी की मौत हो सकती है तो वही है कि काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा मतलब मृत्यु का संदेश लेके पहुंचेगा ये है आ, कुछ हुआ भी ऐसा ही गली में जोर का हल्ला उठा लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई तो क्या हुआ आ, कि उनका लोटा गिर गया और फिर उनको बहुत ही मतलब धक्का सा लगा कि, कि किसी को चोट ना पहुँचियो तो वो मतलब जब तक नीचे पहुंच पाते तब तक उनके आंगन में बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नक्शिक से भीगा हुआ है और अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है उसी के साथ अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया तो दो और दो जोड़कर मतलब बिल्कुल अच्छे से समझ लेना फिर जब वो नीचे तक के आए देखा कि उनके आंगन में भीड़ सी लगी हुई थी और उसमें एक अंग्रेज आदमी था जो भीगा सा हुआ था और अपने हाथ को मतलब थोड़ा सा था 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 पैर को हिला रहा था, सहला रहा था, जैसे उस पे चोट लग गई हो यह सब देख करके एकदम से जाहुललाल ने पूरी परिस्थिति को समझ लिया गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साहिबान से टकराया वहां टकरा उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को अपने आ, सांगो पंग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा तो मतलब एक दुकान के साहिबान आगे की तरफ से टकराया था और पानी गिरा अंग्रेज़ के ऊपर और अंग्रेज़ के पैर पे ही आ करके फिर वो लोटा टपक गया उस अंग्रेज़ को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं तब उसने केवल एक काम किया अपने मुंह को खोल कर खुला छोड़ दिया लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड है हाँ तो मतलब जब झाऊलाल को देखा तो वही गालियाँ बोलना और मुँह खोलना छोड़ देना इस तरीके की कंडीशन वहाँ बन गई थी इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीटते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज़ को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया फिर आंगन में कुर्सी रख कर उन्होंने साहब से कहा आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए तो फिर मतलब अंग्रेज़ जो है थोड़ी मतलब बोल रहा था कि क्या ये वो इस टाइप की बातें जैसे कि वही लड़ाई वाली कंडीशन बनी हुई थी उसी टाइम पे भीड़ भीड़ लगी हुई थी झाऊलाल के आंगन में मगर फिर पंडित बिलवासी मिश्र जब आए तो उन्होंने भीड़ को भगा दिया और फिर बात करने लगे उससे अंग्रेज़ से बोलते हैं साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले आप इस शख़्स को जानते हैं बोले बिल्कुल नहीं और आप ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहते जो निरीह राहच चलतों पर लोटोस से वार करे मेरी समझ में ही यानी यह एक खतरनाक पागल है अच्छा ये वो है मेरी समझ में ही इज ए ल्यूनाटिक डेंजरस ल्यूनाटिक ल्यूनाटिक का मतलब होता है ल्यूनाटिक इंग्लिश का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है पागल तो एकदम से वो अंग्रेज से पूछते हैं आ, कि आप क्या आप झाऊलाल को जानते हैं तो अंग्रेज बोलता है कि नहीं ऐसे पागल यूनाइटेड इंसान को मुझे नहीं जानना है नहीं मेरी समझ में ये एक डेंजरस क्रिमिनल है ये भी ऐसा बोलते हैं परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते तो बस वही है कि झाऊलाल क्योंकि वो बिलवासी जो है बिलवासी मिश्र अंग्रेज से इस तरीके से बात कर रहा था तो झाऊलाल को सिर्फ अगर इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि अगर झाऊलाल को आँखों से सिर्फ देखने की शक्ति ना होने के साथ साथ खाने की भी शक्ति होती तो आँखों से ही वो बिलवासी मिश्र को खा चुके होते वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है साहब ने बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए बिलवासी जी थोड़ा सा अपोज में बोल रहे थे उनके जाऊलाल के तो जो साहब थे अंग्रेजी साहब उन्होंने पूछा कि भाई क्या करना चाहिए तो पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में लिया जाए तो बिलवासी क्या बोलता है कि पुलिस को में रिपोर्ट करो और इस आदमी को जेल पहुंचाओ तो वो को कहता है पुलिस स्टेशन कहाँ है पास ही है चलिए मैं बताऊँ तो वो कहता है चलिए अभी चलो आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से ख़रीद लूँ क्यों जी बेचोगे मैं पचास रुपये तक इसका दाम दे सकता हूँ फिर वो बोलता है झाऊलाल से बनवारी कि भाई आ, मतलब पहले जो ये जो है ना ये देखिए ये जो उसका दोस्त होता है बिलवासी बिलवासी पहले मतलब तो कहने लगता है कि अंग्रेज से कि ये जो है जिसने तुम्हारे सर पे लोटा वोटा फेंका है इसको चलो पुलिस में दे के आते हैं मगर उससे पहले जो लोटा है ये मैं इस झाऊलाल से खरीद लेता हूँ तो फिर वो कहता है झाऊलाल से क्या तुम मुझे इसे पचास रुपये में दोगे तो लाला झाऊलाल तो चुप रहे पर साहब ने पूछा इस रद्दी लोटे के आप पचास रुपये क्यों दे रहे हैं तो फिर आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं आश्चर्य मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था तो फिर वो कहता है जब अंग्रेज मतलब झाऊलाल से कह रहा होता है मतलब क्या है ना ये बिलवासी झाऊलाल से कह रहा होता है कि तुम मुझे ये लोटा पचास रुपये में भेज दो तो अंग्रेज कहता है सड़े हुए लोटे को, को तुम क्यों खरीदना चाहते हो पचास रुपये में ये तो रद्दी लोटा है एकदम बिल्कुल बेकार लोटा है और फिर उसके बाद क्या होता है जो बिलवासी होता है वो अंग्रेज़ से कहता है कि भाई ये लोटा जो है वो ऐसा रद्दी नहीं है मेरे को तो लगा था कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं मगर आप ये कैसी बात कर रहे हैं आखिर बात क्या है अंग्रेज़ बोलता है कुछ बताइए भी जनाब यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है जान क्या पड़ता है मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूज़ियम परेशान है तो फिर जो बिलवासी है वो वैसे बोलने लगता है कि ये जो लोटा है ना ये अकबर का प्रसिद्ध लोटा है और इस लोटे ये लोटा इतना फेमस है कि पूरी दुनिया के म्यूजियम चाहते हैं कि उन्हें ये लोटा मिल जाए फिर ये बात फिर ये बोलता है कौन ये बात ये बोलता है अंग्रेज की अच्छा ऐसी बात है क्या तो फिर बिलवासी बोलता है जी जनाब सोलह शताब्दी की बात है बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था एक अफसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगा कर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के दस सोने के लोटे प्रदान किए यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा वह बराबर इसी से वजू करता था सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है पर इसके बाद लापता हो गया कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं हाँ तो फिर ये मतलब वही पूरी कहानी बना रहा होता है आ, कि ये जो लोटा है शोलवी शताब्दी का है जो बादशाह हुमायूं थे जब वो शेर शाह से हार कर सिंध के रेगिस्तान में भाग रहे थे तो उन्हें बड़ी प्यास लग रही थी एक ब्राह्मण ने इस लोटे से पानी पिलाया और उनकी जान बच गई तो जब अकबर को ये बात पता लगी तो उन्होंने उस ब्राह्मण से इस लोटे को खरीद लिया और बदले में सोने के लोटे उसको दे दिए अब इसी वजह से इस लोटे को अकबरी लोटा कहते हैं और इसीलिए क्या है इस लोटे की बहुत ज़्यादा कीमत है और सारे के सारे म्यूजियम इसको पाना चाहते हैं और जो कलकत्ता का म्यूजियम है उसमें इसका एक मतलब मॉडल सा भी रखा हुआ है और अगर म्यूजियम वालों को पता लगेगा तो इस आदमी से ये लोटा जो है वो खरीद करके ले जाएंगे इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बनकर पकौड़ी के आकार की हो गई उसने बिलवासी से पूछा तो आप इस लोटे का क्या करिएगा वो कहते हैं मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक़ है फिर ये सारी बात सुन के जो साहब था अंग्रेज़ी साहब उसकी आंखें मतलब एकदम से चौंक गई चमक गई पहले ये जो कौड़ी बिल्कुल बेकार सा लोटा था अब ये पकौड़ी बन गया कौड़ी से पकौड़ी बन गया मतलब पहले किसी कीमत का नहीं था अब बहुत कीमती बन गया मगर फिर अंग्रेज़ पूछता है कि भाई आपको इस लोटे में क्या इंटरेस्ट है तो आ, फिर तो बिलवासी बोलता है कि मुझे पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें संग्रह करने का बहुत शौक़ है मतलब इकट्ठा करने का ऐतिहासिक सी चीज़ों को मुझे बहुत ज़्यादा शौक है मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक़ है जिस समय लोटा मेरे ऊपर गिरा था उसी समय मैं यही कर रहा था उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था फिर जो है अंग्रेज भी बोलता है बिलवासी से कि मेरे को भी ना मतलब पुरानी चीज़ें इकट्ठे करने का बहुत शौक़ है जब ये लोटा मेरे सर पर गिरा उस समय पर भी मैं पीतल की पुरानी मूर्तियाँ दुकान से खरीद रहा था तो कुछ हो जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा आप वाह आप कैसे खरीदेंगे मैं खरीदूँगा यह मेरा हक़ है हक़ है ज़रूर हक़ है यह बताइए कि इस लोटे के पानी से आपने स्नान किया है या मैंने आपने वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे आपके अंगूठा उसने आपका भूरता किया या मेरा आपका इसलिए इसे खरीदने का हक मेरा है यह सब बकवास है दाम लगाइए जो अधिक दे वे ले वह ले जाए यही सही आप इसका पचास रुपया लगा रहे थे मैं सौ देता हूँ मैं डेढ़ सौ देता हूँ मैं सौ दो सौ देता हूँ आज मैं ढाई सौ देता हूँ यह कहकर बिलवासी जी ने ढाई सौ के नोट लाल झाऊ लाल के आगे फेंक दिए तो मतलब यही है कि एकदम से उन दोनों में बहस हो गई अंग्रेज़ कहने लगा कि ये लोटा मतलब मेरे सर पे गिरा है मेरे कपड़े गिले हुए हैं मेरा पैर इसने तोड़ा है तो इसलिए ये लोटा जो है मेरा हुआ मगर फिर एक जो बिलवासी है वो इसकी अलग अलग कीमत लगाने लगता है वो कहता है मैंने इसकी पचास रुपये कीमत लगाई है तो फिर अंग्रेज़ कहता है मैं सौ लगाता हूँ बिलवासी कहता है मैं डेढ़ सौ फिर अंग्रेज़ दो सौ फिर बिलवासी ढाई सौ रुपये का नोट लेकर के कहता है ये ढाई सौ रुपये का नोट पकड़ो और मेरे को गिरोटा दे दो फिर साहब को भी ताव आ गया फिर अंग्रेज़ भी काफ़ी ताव में आ गया उसने कहा आप ढाई सौ देते हैं तो मैं पाँच सौ देता हूँ अब चलिए बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपये उठाने लगे मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा लोटा आपका हुआ ले जाइए मेरे पास ढाई सौ से अधिक नहीं है फिर जब अंग्रेज़ मतलब पाँच सौ रुपये देने के लिए तैयार हो जाता है लोटे के तो बिलवासी बोलने लगता है उदास होकर के ठीक है आप ही ले जाइए मेरे पास तो सिर्फ ढाई सौ ही रुपये हैं इसके उसको

वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है मेजर डगल्स कौन है ये तो बोलते हैं अंग्रेज बताता है मेजर डगल्स मेरे पड़ोसी हैं पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे तो वो कहते हैं मेजर डगलिस अंग्रेज बताता है मेरा पड़ोसी है वो भी पुरानी चीज़ें इकट्ठा करता है और हमारी होड़ लगी रहती है और वो हिंदुस्तान जब आया था तो जहांगीरी अंडा ले गया था यहाँ से तो वो कहता है जहांगीरी अंडा तो क्या वो फिर आगे बताता है हाँ, जहांगीरी अंडा मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीजें ला सकते हैं पर जहांगीरी अंडा क्या है आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूर जहां से जहांगीर का प्रेम करवाया था जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया नूरजहाँ ने उनके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे उसने इस भोलेपन पर जहांगीर दिलोजान से निछावर हो गया उसी क्षण से उसने अपने को जहाँ के हाथ पर कर दिया कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा एक बिल्लौर की हंडी में वह उसके सामने टंगा रहता था बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ उसी का मेजर डगलिस ने पारसाइल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से तीन सौ रुपए में खरीदा तो भाई यह जहांगीरी अंडा क्या था वो कहता है कि जब जहांगीर और नूरजहां जहांगीर नूरजहां से मिला था तो फिर उसने कहा था कि भाई तुमने कबूतर कैसे उड़ाया तो कबूतर को उड़ा करके नूर जा कह देती है ऐसे उड़ाया अब ये बात बड़ी अच्छी लग जाती है जहांगीर को तो उस कबूतर का अंडा ये वो संभाल के रख लेता है अब संभाल के रखा हुआ जो अंडा होता है बस वही जो मेजर डगले से है, कहते हैं कि मैं ख़रीद के लाया हूँ हिंदुस्तान से तीन सौ रुपये में हाँ पर मेरे आगे दून की नहीं ले सकते मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से एक पुश्त पुराना है इस रिश्ते से आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक-एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है उन्होंने पूछा बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपए रुपया घर से लेकर आए पर आपके पास तो थे नहीं इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है आप उसी से पूछ लीजिए मैं नहीं बताऊंगा पर आप चले कहाँ अभी मुझे आपसे काम है दो घंटे तक दो घंटे तक हाँ और क्या अभी मैं आपकी पीठ ठोकर शबाशी दूंगा एक घंटा इसमें लगेगा फिर गले लगा कर धन्यवाद दूंगा एक घंटा इसमें लग जाएगा अच्छा पिछले पाँच सौ रुपये गिन सहेज लीजिए अच्छा पहले 500 रुपए गिनकर अच्छे से रख लो रुपए अगर अपना हो तो इसे सहेजना एक सुखद मनोरह कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए उस दिन रात्रि में बिलवासी जी के घर देर तक नींद नहीं आई वे चादर उलेटे चारपाई पर पड़े रहे एक बजे वे उठे धीरे बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की एक सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी फिर उनके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला उसमें ढाई सौ के नोट ज्यों के द्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया फिर दबे पाँव लौट ताली को उन्होंने पूर्वत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया उसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली दूसरे दिन सुबह आठ बजे तक चैन की नींद सोए तो, तो समझे आप कि जो बिलवासी जी थे उनके पास ढाई सौ रुपये कहाँ से आए थे वो अपनी पत्नी की तिजोरी में से चुरा करके लेके आए थे वो फिर जब ढाई सौ रुपये का काम हो गया अंग्रेज से जब उन्होंने झाऊलाल को पाँच सौ रुपये दिलवा दिए तो भाई जो ढाई सौ रुपये वो अपनी पत्नी की तिजोरी में से लेकर के आए थे वो उन्होंने रात में वापस रख दिए और फिर सुबह आराम से सोए तो यही है बस प्यारी सी स्टोरी थी और हो गया हमारा कंप्लीट ये चैप्टर तो कैसा लगा वीडियो आपको बता सकते हैं अच्छा लगा लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको जरूर शेयर करिएगा थैंक यू